सभा की अध्यक्षता करते हुए मिस्टर अश्विनी कुमार जी, राजेश कुमार डिवीजन सेक्रेटरी, हमारे साथी जो दूसरी यूनियन में सेंटर में वाइस प्रेसिडेंट थे, राम अवतार जी जो लखनऊ से चल के आपके बीच में आए हैं, साथी अनिल राजपाल जी जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर पूरी अपनी लाइफ गुजारी है, पूरा स्ट्रॉन्ग बनाया है, सारा समय उन्होंने उनके साथ गुजारा है, अब हमारे पास आए हैं, मैं उनका भी वेलकम करता हूं। और नारी शक्ति साथियों, मैं तो इस डिवीजन में 21 साल तकरीबन मैं डिवीजन सेक्रेटरी रहा हूँ और डिवीजन प्रेसिडेंट रहा हूँ। उस समय से मैंने कोशिश की है कि कर्मचारियों की कोई भी डिमांड आवाज़ खराब हो जाएगी जो डिवीजन लेवल की होती थी, जहां हो सकती थी उसको कराने की पूरी कोशिश की। कुछ उसके उदाहरण भी है, हो सकता है उसमें पुराने साथी अभी रिटायर हो गए हो या कुछ साथी हो। आपको याद होगा कि जो आपका प्रोविडेंट फंड जो आप लोन अप्लाई करते थे, जो साथी केबी रेलवे से प्रोविडेंट फंड का लोन अप्लाई करते थे, जम्मू से करते थे, दूसरे सेक्शनों से करते थे, उस समय दो दो बार उनके फॉर्म गुम होते थे, फिर पे ऑर्डर गुम होता था, अपना ही उधार पैसा लेने में दिक्कत आती थी। 92 के अंदर उस समय जो DRM थे और सीनियर DO थे सरदार गुरदेव सिंह, मैंने PNM के अंदर इसको डिस्कस किया, सीनियर DPO थे मिस्टर चमनलाल, कि लोगों को अपना पैसा लेने में बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं, जल्दी मिलता नहीं, और मैंने प्रूव कर दिया कि इसमें पी ब्रांच का कोई रोल नहीं है। तब से लेके लाइन पे पी एडर बन के आते, विद इन 10 डेज उनको अपना पैसा मिल जाता था, जो सीनियर DO के ऑर्डर थे, केवल फिरोजपुर डिवीजन के अंदर ये चालू हुआ। 68 डिवीजन है और किसी डिवीजन में ऐसा नहीं है। मिस्टर करखल जहां DPO थे, बीकानेर होके सीनियर DPO गए, बीकानेर भी मेरे पास था, मैं PNM अटेंड करने गया, मुझे उन्होंने कहा मेरी रिक्वेस्ट है वो काम यहां मत स्टार्ट करा देना। मैंने कहा इसमें कर्मचारियों को एक सहूलत मिलती है, तब प्रोविडेंट फंड की बुक इश्यू हो गई, उसमें अमाउंट मेंशन किया हुआ है, वो क्यों ना पे ऑर्डर बना के ले आए और यहां सीधा DPO APO से साइन करा के अकाउंट्स में दे। उस समय सीनियर DPO ने कहा विजिलेंस केस हो जाएगा, लेकिन सीनियर DO सरदार गुरदेव सिंह ने कहा कि मैं उसको देखूंगा, ये कर्मचारियों के लिए एक सहूलत है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब से ये चालू हुआ। इसी तरह एक बोर्ड के ऑर्डर थे कि जो जिनको यूनिफॉर्म मिलती है ग्रुप डी के कर्मचारियों को, जो नीट एंड क्लीन रहने चाहिए, उनको 15 रुपए वॉशिंग अलाउंस
का प्रोविजन था। फिरोजपुर की पीएनएम के अंदर हमने फैसला करा के दिया, उस समय जितने फिरोजपुर के ग्रुप डी के साथी थे सबको 15 रुपए बादशाह अलाउंस मिलता था, किसी दूसरे डिवीजन में नहीं मिला। जब यूनिट में मान्यता नहीं गई, ऑडिट ने एक ऑब्जेक्शन लगाया, उस ऑब्जेक्शन को हमारे साथी दूर नहीं कर सके। इसी तरह जो भी काम, उस समय की बात है कि मिनिमम बेनिफिट प्रमोशन का 25 रुपए मिलना चाहिए, यूआरएमयू ने लोगों को ढूंढ ढूंढ के जिनको कम इंक्रीमेंट से भी कम 25 रुपए मिलते थे उनको 25 रुपए का दिलाने का काम किया। यही नहीं, जब पे टेस्ट होता है उस समय पे टेस्ट रिजल्ट के बाद प्रमोशन होने में देरी होती थी। यूआरएमयू ने ये कराया, जब रिजल्ट निकलेगा तब से कर्मचारियों की प्रमोशन होगी और होती है। यूनियन का काम है कि कहां कर्मचारियों को तकलीफ हो उसकी मदद कैसे हो सकती है। यूनियन का ये काम नहीं है कि किसी को विक्टिमाइज कराना। दोस्तों, आजादी से पहले रेलवे राजाओं की रेलवे होती थी। राजाओं ने अपनी सुविधा के लिए स्टेटों में रेलवे का सिस्टम चलाया हुआ था। उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने अपनी सुविधा क्रिएट की। आजादी के बाद अब तक आप देखिए रेलवे के अंदर कितनी तरक्की हुई है, पैसेंजरों को कितनी सहूलियत मिली है। पहले लकड़ी के फट्टों पे बैठ के जाते थे, आज आप देखिए क्या कंडीशन है, मैक्सिमम एसी गाड़ियां चली हैं। ये रेलवे के कर्मचारियों की मेहनत है। रेलवे ने जब से भारत आजाद हुआ, इस गवर्नमेंट से रेलवे ने कभी किसी 10 रुपए की भी एड नहीं ली। रेलवे कर्मचारी खुद कमा के देते हैं, अपना वेतन और पेंशन खुद कमा के लेते हैं। भारत सरकार का कोई एहसान रेलवे कर्मचारियों के ऊपर नहीं है। अगर रेलवे में कहीं जगह घाटे पे रेलवे चलती है उसको भी कवर करते हैं। मुझे याद है कि नवाशहर सेक्शन के अंदर नवाशहर से राहों को रेल जाती है, वो रेलवे लाइन राजा ने बनाई थी। कुछ साल पहले रेलवे ने कहा कि अर्निंग बिल्कुल नहीं है, इसको बंद कर देंगे, रेलवे लाइन उखाड़ देंगे। पुराने कुछ लोग थे, वो पंचायतों के लोग लेके आ गए कि ये आपने कुछ नहीं किया, ये अंग्रेजों के टाइम का है, आप इसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये रेलवे पैसेंजरों के लिए, देश के नागरिकों के लिए एक सुविधा है। आप सोचिए कि रेलवे की जो लॉस हो रहा है उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। ऐसे कई एरिया है तो उसमें रेलवे ट्रेड यूनियन का भी रोल है रेलवे को चलाने के लिए। दोस्तों, रेलवे जब से बनी है एक सिस्टम है कि रेलवे में कर्मचारी होने के नाते जो जॉब करता है उसको वेतन मिलना है। 60 पे कमीशन रेलवे के बैठ चुके हैं, 6वें पे कमीशन तक सारे पे कमीशन ने जब भी नया वेतन बना है
उसमें 40% तक भी बढ़ोतरी की है। एक साथ एक कमीशन आया, सिर्फ उसमें 14.29 बढ़ोतरी हुई, जिसमें हमारे कर्मचारी ऐसे ही खुश हो गए। उसका कारण था कि मिनिमम 18,056 जो है बेसिक पे दिखा दी गई, वो उन्होंने दिया कुछ नहीं। आपका जो महंगाई भत्ता था उसको जोड़ के 14.29 जोड़ के आपको बता दिया, आपको इतनी पे दे दी। सबसे कम साथ में पे कमीशन ने दिया। दोस्तों, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, जिसके हम एफिलेटेड है, जिससे 1953 में बनी, उसकी लीडरशिप के अंदर ईमानदारी की क्वालिटी और काम करने की क्वालिटी है। उस समय 1950 में नेगोशिएशन का सिस्टम हुआ, उससे पहले हर इशू पे देश के अंदर स्ट्राइक का नोटिस देना, स्ट्राइक करना ये चलता था, चाहे मिले या ना मिले कुछ। 1950 में गवर्नमेंट ने एक नेगोशिएशन का सिस्टम स्टार्ट किया, जिसके अंदर पीएनएम का फोरम बना। उस सिस्टम के अंदर जब से बना, केवल चंद जो कम्युनिस्टों को डील करते हैं, जो डिस्ट्रक्टिव माइंड के लोग हैं, 1960 में उन्होंने स्ट्राइक का नोटिस दिया। स्ट्राइक कराई 1968 में, कराई 1974 में, कराई, लेकिन एक भी चीज बता दे कि कर्मचारियों को क्या लेके दिया। स्वाय विक्टिमाइजेशन के 1974 में 50,000 कर्मचारी जेल के अंदर बंद हुए थे। बहुत सारे साथियों की, जो इलाज साहब के साथी पुराने बैठे हैं, नौकरी से उनको हाथ धोना पड़ा था। 1967-68 में जो स्ट्राइक का एआरएफ नोटिस देने वाली थी, उनके चार जो उन्होंने कहा हम स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे। स्ट्राइक एक लास्ट वेपन है। स्ट्राइक कहना बहुत आसान है, स्ट्राइक करना एनएफआईआर के बारे में बता रहा था, जिसने केंद्रीय कर्मचारी, चाहे रेलवे कर्मचारी हो या दूसरी हो या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, एनएफ इतिहास बनाया है। जो आप महंगाई भत्ता ले रहे हो, 1963 से पहले महंगाई भत्ते का कोई नाम नहीं होता था। गवर्नमेंट जब महंगाई बढ़ती थी, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये से ज्यादा नहीं बढ़ाती थी। 1963 के अंदर भारत सरकार से डिसएग्रीमेंट हुआ, क्योंकि ये एक नेगोशिएशन का पार्ट है। अगर प्रशासन कर्मचारियों की डिमांड पे डिसएग्रीमेंट करता है, तो उसके लिए एक ट्रिब्यूनल अपॉइंटमेंट होती है। उस ट्रिब्यूनल का जो चीफ होता है, वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता है। उसके सामने प्रशासन और साफ साइड के जो लीडर हैं, वो अपनी बात, अपनी डिमांड को रखते हैं। जो उसका फैसला होता है, वो गवर्नमेंट के पास जाता है। गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, तो इसके ऊपर डिस्कशन हुआ। एस के दास उस समय चीफ जस्टिस होते थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके अधीन वन मैन कमेटी बनी। उसके अंदर 5 शक्ति, जिसमें रेलवे बोर्ड का देन चेयरमैन भी था और डीओपीटी के थे, फाइनेंस के थे,
एस्टेब्लिशमेंट के सेक्रेटरी थे और उसके अंदर स्टाफ साइड से केवल एनएफआईआर थी या एनएफआईआर से एफिलेटेड सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ, वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ या कुछ और यूनियन एसोसिएशन ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि एआई रात ने कहती थी कि महंगाई भत्ता नहीं मिल सकता। जो अपने आप को लड़ाकू जमात कहती है, उस समय की बात मैं बताता हूं जो इनके लीडर थे, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं, मेरे पास रिकॉर्ड है 1965 का वन मैन कमेटी का, जिसके पेज नंबर 39 के अंदर उन शक्तियों का नाम लिखा है और उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन दी है फेडरेशन में, उस समय हमारे स्वर्गीय नेता टीवी नंदन जी थे और केशव कुलकर्णी जी थे जिन्होंने उसको लीड किया। उसपे बहस हुई, गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने कहा कि ये महंगाई वाला जो फार्मूला है ये स्टेबल रह सकती है, महंगाई जो है उसको रोक सकते हैं, जो जरूरी नहीं है कि महंगाई बढ़े, तो इसलिए ये फार्मूले की जरूरत नहीं है। और यहां तक भी कहा, उस समय रेलवे 12 लाख रेलवे कर्मचारी होते थे, उन्होंने कहा इतना बड़ा रेलवे का अदारा 12 लाख को जो है पैसा देना पड़ेगा, इसमें खजाना रेलवे का खाली हो जाएगा। एनएफआईआर ने कहा रेलवे कमा के देती है, अर्न करके देती है। उस समय रेलवे के अंदर 90% ट्रैफिक रेलवे के पास था, जो बाद में धीरे करते करते आज 30% से भी कम रह गया है। और एग्जाम्पल दिया एनएफआईआर ने, फाइट किया कि इसका फार्मूला बनना चाहिए, महंगाई के लिए जैसे मार्केट का इंडेक्स बढ़े उसके मुताबिक महंगाई इंडेक्स के मुताबिक महंगाई भत्ता भी बढ़ना चाहिए, तब जाके ये फार्मूला बना कि साल के अंदर 2 बार महंगाई भत्ता जो है वो मिलेगा। जो जब तक रेलवे कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी, दूसरे कर्मचारी रहेंगे, ये महंगाई भत्ता मिलता रहेगा। ये एनएफआईआर की हिस्ट्री है। इसी तरह दोस्तों, उस समय 1969 के अंदर 57 आइटम पीएनएम के अंदर डिसएग्रीमेंट हुआ एनएफआईआर के साथ। उस समय सेंट्रल शरण एक ट्रिब्यूनल बना जिसमें एचओईआर था और ट्रैकमैन गैंगमैन जो है उसके मुद्दे थे, रनिंग स्टाफ के मुद्दे थे, वर्कशॉप के मुद्दे थे, टेक्निकल कैटेगरी के मुद्दे थे, उसको एनएफआईआर ने लेके दिया। इसी तरह रेलवे के अंदर रात्रि भत्ता नहीं मिलता था, केवल टेलीग्राफ पोस्ट ऑफिस में रात्रि भत्ता मिलता था। एनएफआईआर ने लड़ाई की, डिसएग्रीमेंट हुआ, मिया भाई ट्रिब्यूनल, एक जज का नाम है उसका नाम मिया भाई ट्रिब्यूनल रख दिया, उसके सामने डिस्कशन हुआ कि रात्रि भत्ता क्यों मिलना चाहिए। उनको जो एक्सप्लेन किया गया कि रेलवे कर्मचारी कंटिन्यू शिफ्ट में ड्यूटी करता है, रात को ड्यूटी आके सुबह जाता है, इसलिए रात्रि भत्ते का हकदार, उस समय रात्रि भत्ते का फार्मूला बना और उसके अंदर जैसे पे कमीशन आते हैं रेट उसका बढ़ता है। आज देखिए रात्रि भत्ते का क्या रेट है। हालांकि गवर्नमेंट बार बार, जो हमारे साथी सुपरवाइजर है जिनका वेतन बढ़ जाता है उस पर बैन लगाती है, एक फिक्स कर देता है कि 43,600 से ऊपर उनको नहीं मिलेगा, उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं हम। इसी तरह ओवर टाइम नहीं मिलता था, एचओईआर बना, ओवर टाइम का कोई फार्मूला नहीं था, 10 घंटे ड्यूटी करे, 12 घंटे ड्यूटी करे, जो कंटिन्यू
वर्कर भी होते थे 8 घंटे की ड्यूटी वाले, उसके लिए भी फार्मूला बना कि ओवरटाइम मिलेगा। ओवरटाइम की बात आई जब 7वां पे कमीशन आया, उस समय 7वां पे कमीशन लेट लागू हुआ, कभी ओवरटाइम का एरियर नहीं मिला। पिछला इतिहास देख लीजिए, एनएफआईआर ने बोर्ड की पीएमएम के अंदर इस आई टी इश्यू को लिया। दूसरी पटिशन के जो उस समय जनरल सेक्रेटरी थे मिस्टर चौबे, आगरा की एक मीटिंग में कहा कि एनएफआईआर का जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हेमर गवैया झूठ बोलता है, कभी एरियर मिल नहीं सकता। 2017 को आगे फैसला कराया, जुलाई 2017 से ओवरटाइम का एरियर भी कर्मचारियों को मिला। इसी तरह दोस्तों, पुराने साथियों को पता है, जब ग्रुप डी में रिटायर होते थे 1953 से पहले, उनको कॉम्प्लीमेंट्री पास नहीं मिलता था रिटायरमेंट पे। 1953 में 2 साल के बाद कॉम्प्लीमेंट्री पास मिलना शुरू हुआ था ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए। आज क्या पोजीशन है, 6 जनवरी 2011 में ममता बनर्जी के सामने एनएफआईआर ने इस इशू को रखा कि जो 5,000-8,000 में आते हैं सबको फर्स्ट क्लास का पास मिलना चाहिए। इवन जो हमारे सफाई वाले हैं, क्लासी वाले हैं, वो सारी जिंदगी सेकंड क्लास थर्ड क्लास में सफर करते हैं, उनको भी एसी का प्रोविजन होना चाहिए। तब जाके इवन सफाई वाला खलासी उसको भी थर्ड एसी के पास का प्रोविजन हुआ। तो दोस्तों, हम जो लड़ाई बराबर लड़ रहे हैं आपके लिए, और आपको ऐसे ऐसे डिसीजन हमने डीएम पीएनएम के अंदर कराए हैं कि आपके पास जो टाइप 1 के क्वार्टर है जीएम पीएनएम की 5/21, उसके अंदर जो फैसिलिटी नहीं है, वॉशरूम नहीं है, किचन नहीं है, नॉर्दर्न रेलवे के अंदर इवन इंडियन रेलवे के लिए अब लगाई है, ये फैसला करा के डिवीजनों में मैंने भेजा कि जहां ये जिस क्वार्टर के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है उसका स्टैंडर्ड रेंट नहीं कटेगा। जो 10% अभी इन्होंने बढ़ाया 2020 से, वो किराया 10% नहीं बढ़ेगा। पूरे डिवीजनों में ये सर्कुलेट कराया कि उसकी लिस्ट बना के दीजिए, जब से टाइप 1 क्वार्टर जिसमें फैसिलिटी नहीं उनको मिला है उनका किराया एडजस्ट होगा। ये डिवीजन का काम है। इसी तरह हमारे जो साथी ट्रैकमैन हैं, ट्रैकमैनों को 1968 के अंदर ट्रैकमैन जिसको गैंगमैन कहते थे, मेड की मैन, सेमी स्किल्ड मिलता था सिर्फ, 90% ट्रैकमैन सेमी स्किल्ड में रिटायर हो जाते थे। 5वां छठा पे कमीशन आया, उसके बाद जनवरी 2010 में, 11 जनवरी 2010 में रेलवे बोर्ड के अंदर महाप्रबंधकों की मीटिंग थी। उस समय रेल मंत्री ममता बनर्जी थी, उसके सामने एनएफआईआर के जनरल सेक्रेटरी ने इस इशू को रखा कि सबसे मेहनतकश रेलवे के रीढ़ की हड्डी ट्रैकमैन है, उसके साथ बेइंसाफी हुई, उनको कुछ नहीं मिला पे कमीशन में। ममता बनर्जी ने मीटिंग के अंदर ही, ये चेयरमैन रेलवे बोर्ड खुराना जी थे उस समय, उसको आदेश दिया एक कमेटी बनाइए बोर्ड की, फेडरेशन से सुझाव दीजिए और इनके जो इनके साथ इंसाफ करिए। उस कमेटी ने 14 मीटिंगें हुई,
आज भारत वर्ष के अंदर 270,000 टैगमैन हैं, उनके भविष्य को फ्यूचर को सुधारने की कोशिश की। उस कमेटी ने ये फैसला दिया कि इसको 250 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे, 1900 ग्रेड पे 10-20 में मिलना चाहिए, लेकिन रेलवे बोर्ड ने उसको जब इंप्लीमेंट किया अगस्त 2012 से 3% 250 में दिया, 6% 2400 में दिया और उसके बाद 1900 में दिया, लेकिन फिर बराबर लड़ाई छोड़ी नहीं। 2014 के अंदर 6% और 12% हुआ, मार्च 2019 में 10-20 हुआ। इसी तरह ट्रैकमैनों को ना तो जूते मिलते थे ना यूनिफॉर्म मिलती थी, एक गंजी और निकर टाइप मिलती थी, कोई रिस्क अलाउंस नहीं मिलता था। आज ट्रैकमैनों को देखिए, टेक्निकल कैटेगरी के बराबर ला के खड़ा कर दिया है। जो उनको नहीं मिला उनके लिए लड़ाई कर रहे हैं कि उनको 4200 ग्रेड पे भी मिलना चाहिए। उनका चैनल ऑफ प्रमोशन एलडीसी ओपन टू ऑल करके मिलना चाहिए। जीडीसी में उनको जो बेनिफिट मिलना चाहिए। ये संघर्ष बराबर जारी है, ये और किसी ने नहीं उठाया। उस समय दूसरी फेडरेशन भी मौजूद थी। आप मिनट्स निकाल के उस समय जो कोई देखना चाहता है मेरे पास आगे देख सकता है, मेरे पास रिकॉर्ड है। हम खाली उसमें बात नहीं करते, मैं महंगाई भत्ते की बात कर रहा हूं। जब हम अभी ये शुरू किया लोगों को बताना, उनका जो प्रेस मीडिया वाला AIRF का, उसने एक YouTube पे वाइट दिया कि 1942 में हमने बार अलाउंस मांगा था। अरे भाई, बार अलाउंस क्या होता है, महंगाई भत्ता क्या होता है, आपको यही नहीं पता? अगर 1942 में मांगा, 1963 के अंदर जब के वार्तालाप चल रहा था, आपने क्यों भाई काट किया, क्यों नहीं उसके अंदर गए? अभी मेरा साथी रजेश बात कर रहा था स्ट्राइक की। 1974 के अंदर जो स्ट्राइक कराने वाला जॉर्ज फर्नांडिस टैक्सी यूनियन का एक प्रेसिडेंट था, वो कम्युनिस्ट था, कुछ लेके देने वाली बात नहीं थी। 8 डिमांड उसने 1974 में स्ट्राइक के लिए दी। उस समय ललित नारायण मिश्रा रेल मंत्री होते थे, स्ट्राइक से पहले इनको कॉल किया गया AIRF को कि आइए बैठ के डिस्कस करिए। उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा 6 डिमांड इमीडिएटली हम मानने को तैयार है, लेकिन ये कह रहा कि हमें काम है, लखनऊ जाना है, क्योंकि डिमांड लेना इनका काम नहीं था। ये इनका काम था रेलवे को तबाह करना। यहां तक इसकी प्रपोजल थी कि रेलवे जो दिल्ली को जोड़ती है, जमुना का ब्रिज, इसको उड़ा दो, रेलवे का लिंक खत्म कर दो। ये उसकी सोच थी। बाद में जनता पार्टी के अंदर ये लीडर बना, उनका प्रेसिडेंट था, मिनिस्टर बना स्वर्गीय PN शर्मा जी, जो 44 साल जनरल सेक्रेटरी रहे मेरी जगह। जब मेरे बनने से पहले मेरे सामने उन्होंने कहा, मिस्टर फर्नांडिस, तुम वेल्थ पेनल्टी की बात करते थे, तुम बोनस की बात करते थे, और तुम मिनिस्टर हो, करो। हंस के चुप कर गया, किया कुछ नहीं। AIRF ने भी धक्के मार के उसको निकाला। ये रिकॉर्ड है, हम ऐसा काम नहीं करते। इन लोगों को विक्टिमाइज करा दो, मिले कुछ ना,
लोग हमारे पीछे पीछे घूमे अपने बच्चों को पालने के लिए, रोटी खाने के लिए, फीस लेने के लिए, ये साथियों के साथ हुआ। तो दोस्तों, इसी तरह अभी नौजवान साथी रेलवे के अंदर आए और उस समय कांग्रेस सरकार थी, पीएफआरडीए बिल एक लाया गया जिसके अंदर कहा कि पेंशन का बोझ केंद्र सरकार के ऊपर है, कंट्रीब्यूटरी पेंशन कर देनी चाहिए और उसका इंप्लीमेंटेशन बीजेपी सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में हुआ। तो उससे उन्होंने कहा 10% कटेगा, 10% कट के सट्टा बाजार के अंदर उसको लगाया जाता है, उसमें जो प्रॉफिट आएगा तो पेंशन उसमें मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। मेरा एक डिवीजन प्रेसिडेंट वृद्ध वर्कशॉप का रिटायर हुआ, 13 साल उसने एक्स सर्विसमैन है, 13 साल नौकरी की, उसको 2700 रुपया पेंशन मिली। 2700 रुपये में क्या गुजारा हस्बैंड वाइफ कर सकते हैं? 20 साल हमने लड़ाई लड़ी, यू आर एन एफ आई आर से संबंधित दोनों ने, कि ओल्ड पेंशन स्कीम रिस्टोर करो, एनपीएस रद्द करो, नो पेंशन स्कीम। 10 अगस्त 2023 को रामलीला मैदान के अंदर आप लोगों ने रामलीला मैदान को भरा, 2 लाख केंद्रीय कर्मचारी स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी आए, गवर्नमेंट उससे हिली, लेकिन मीडिया ने कुछ नहीं किया। सब डरते हैं इसे क्योंकि ये एक दम कर देती है गवर्नमेंट। पहले मीडिया के ऊपर कोई अंकुश नहीं था, ये कांग्रेस सरकार के अंदर आज सारा मीडिया इन्होंने खरीद लिया है। मीडिया इंडिपेंडेंट विचार नहीं दे सकता, तो इसलिए जब ये बात आई, हमने एक आइटम के स्ट्राइक का नोटिस थारा थर फेडरेशनों ने साइन करके भेजा, जिसको कई साथी ये दिखाते हैं कि इन्होंने नियो प्राइम मिनिस्टर के सामने इस पे साइन कर दिए, यूपीएस पे मेरे पास रिकॉर्ड है। जो नोटिस है ये देखिए, नोटिस की कॉपी है, ये नोटिस हमने स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर को दिया, जिसके पीछे 18 फेडरेशनों ने साइन किए, ये देखिए। और ये साइन इसलिए किए कि हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं। मंत्री ने कहा स्ट्राइक मत करिए, हमें टाइम दीजिए, हम कमेटी बना रहे हैं। कमेटी बनाई, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर का वित्त मंत्री, वित्त सेक्रेटरी सोमनाथन चेयर बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया, जो आज कैबिनेट सेक्रेटरी है। उसने अपने गवर्नमेंट के सारे अदारों से डिस्कस किया, उसके बाद अपना मन बनाया क्या करना है। 15 जुलाई को नॉर्थ ब्लॉक में स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर, जिसमें मैं भी हूं, दोनों फेडरेशन के 4-4 लीडर, डिफेंस का, कन्फेडरेशन का, और उधर से सोमनाथन और कैप उनके सेक्रेटरी थे, डीओपीटी के या दूसरे, किसी को अंदर नहीं आने दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको प्रपोजल बता रहे हैं, ये बात मैं अपने से इसमें एक लफ्ज भी नहीं जोड़ूंगा, जो अंदर बात आई है मैं आपको पूरा बताऊंगा। उसके अंदर उन्होंने पहली लफ्ज कहा कि हम एनपीएस रद्द नहीं करेंगे, हम पेंशन 40% देंगे, जो कर्मचारियों का 10% कटता है अभी 60% हम वापस देते हैं, रिटायरमेंट पे कोई पैसा वापस नहीं देंगे, डीआर नहीं देंगे, क्वालिफाइंग सर्विस 35 साल होगी,
मिनिमम पेंशन 5000 रुपया होगी। फैमिली पेंशन जो पेंशनर डेथ कर जाएगा उसका 30% देंगे। हमने कहा हमें नहीं मंजूर इसमें, आप अपना फैसला लेते रहो, हम अपना एक्शन करेंगे। साफ साइड के लीडर रघवैया जी ने ये बात उसको कही, मैंने भी उनको कहा भाई हमें आप 35 साल के कह रहे हो बात, आपका जो मेंबर पार्लियामेंट है एक दिन मेंबर पार्लियामेंट रहता है एक दिन एमएलए रहता है, उसकी क्वालिफाइंग सर्विस क्या है? 8-8 पेंशन ले रहे हैं वो भी आप दे रहे हो। मुझे कहता मैं आपकी बात बचा दूंगा, मैं पहुंचा दो मेरा नाम भी लिख लो जिसको बोलना आप बोल लो, मैं सही बात है जो आपको कहना चाहूंगा कही मैंने। उसके बाद उसने कहा आप अपनी प्रपोजल बता दो, एक बार मैं कैबिनेट सेक्रेटरी से बात करके आता हूं। कैबिनेट सेक्रेटरी से बात की, हमने अपनी प्रपोजल बता दी कि मिनिमम 50% पेंशन से कम हमें एग्री नहीं करेंगे। 50% भी लास्ट पे ग्रांट का 50% होगा या पहले जैसे या 10 महीने का उसकी जो एवरेज करेगी, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो पेंशन अप्लाई को मिलनी चाहिए। 10% जो कटता है उसका जो एक प्रोविडेंट फंड है उसको विद इंटरेस्ट जैसे हम लोग को पुराने को मिला वो कर्मचारियों को मिलना चाहिए। आपने कहा कोई पैसा नहीं, एक साथी युवा अवस्था में रेलवे में आए जब बुढ़ापा लेके जाए वो खाली हाथ जाए, तो उसने ये कहा इसमें हम ऑप्शन रखेंगे, जो एनपीएस यूपीएस लेना चाहेगा उसको देंगे। मिनिमम पेंशन हमने कहा 15,000 से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साथ में पे कमीशन ने 9,000 रुपया मिनिमम पेंशन दे रहा है, आप 5,000 की बात कर रहे हो। क्वालिफाइंग सर्विस आज से पहले पुराना देख लीजिए, 55 साल में रिटायर होते थे 33 साल क्वालिफाइंग सर्विस होती थी, आप 35 साल की बात कर रहे हो, किस युग की बात कर रहे हो आप? हमने इनको मानने को तैयार है। तब उसने आगे कहा 15,000 नहीं मिनिमम पेंशन 10,000 प्लस दिए देंगे। फैमिली पेंशन जो पेंशन होगा उसका 60% देंगे। और ये लमसम वाली बात जो 6 महीने वाली बात, इस पे कोई और डिस्कशन नहीं उन्होंने की। इसमें कॉमोडेशन का प्रोविजन नहीं है, जो कम्यूट करते हैं जिसको कहते हैं कि हमने लास्ट में पेंशन सेल कर दी बेच दी, जिसको सीधे लफ्जों में कहते हैं, उसका कोई प्रोविजन नहीं है। 80, 90, 95, 100 साल पे जो पेंशन पुराने लोगों को बढ़ती है उसका कोई प्रोविजन नहीं है। पुरानी पेंशन के अंदर अगर एम्प्लाई की डेथ हो जाती है उसकी विडो को पेंशन मिलती है, विडो की डेथ हो जाती है उसकी अनमैरिड डॉटर को मिलती है, लड़के को मिलती है, इसका कोई प्रावधान नहीं है। 23 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक जब इन्होंने अनाउंसमेंट किया, इमीडिएटली उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन ने इस पे एक्शन लिया। पूरे नॉर्दर्न रेलवे के अंदर 128 ब्रांचों को मैंने आदेश दिया कि सब जगह इसके खिलाफ डिमॉन्स्ट्रेशन, धरने, गेट मीटिंग, काले बिल्ले लगा के इसका विरोध करिए, और विरोध किया सबने। हमने ऐसा नहीं किया दूसरी फेडरेशन की तरह अपने ऑफिस के आगे लगा दिया, प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मिठाई बांट दी, ये कह दिया अब हमारी ओपीएस की लड़ाई नहीं है। हमने कहा कि नाम कोई भी हो लेकिन युवा साथियों को जो पुरानी पेंशन में मिलता है वो सब मिलेगा, जब तक वो नहीं मिलेगा उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन और एनएफआईआर इस संघर्ष को छोड़ेगी नहीं। हमने उसके ऊपर 10 मिनट जब आए उसके ऊपर रिएक्ट भी किया, और ये 1/10 वाला बात है उसको भी उठाया। और सबसे ज्यादा तकलीफ जो उन्होंने अनाउंस की कि 25 साल पे रिटायरमेंट जो लेगा
जब तक 60 साल की एज नहीं होगी उसको पेंशन नहीं मिलेगी। अरे भाई ये कौन क्या गारंटी है कि आदमी जिएगा? कैसी स्टेटमेंट दे रहे हो आप? एक कैबिनेट सेक्रेटरी स्टेटमेंट दे रहा है, हमने उसका विरोध किया। तो दोस्तों उत्तरिया रेलवे मजदूर यूनियन किसी को गुमराह नहीं करती ना करेगी। जो असलियत है, जो मिला है वो बहुत थोड़ा है। वो जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। हमें वो चाहिए जो हम लोग रिटायर होने के बाद हमें मिला है, वो ही युवा साथियों को चाहिए। जब तक वो नहीं मिलेगा आपका सहयोग चाहिए। हम संघर्ष करते रहेंगे। और आप नौजवान साथियों को कहूंगा कि आप आगे आए इस लड़ाई में, सहयोग करें, क्योंकि सबसे सहयोग से ही ये संघर्ष जो चल सकता है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अंत में आपसे अपील करूंगा कि फिरोजपुर डिवीज़न के अंदर 17,000 कर्मचारी है, 4, 5, 6 दिसंबर को यूनियन की मान्यता के लिए चुनाव होगा। इंजन हमारा चोर निशान है, इंजन पे मोहर लगा के उत्तरिया रेलवे मजदूर यूनियन के एक नंबर पे जिताए ताकि हम अपना संघर्ष आपका कर सके, 8वां पे कमीशन आपके लिए ला सके, जो ठेकेदारी प्रथा है उसको कंट्रोल कर सके, जो इन्होंने पोस्ट से सेंशन करने के लिए बैन लगाया है उसको हटा सके, जो हमारे रनिंग साथियों के साथ बेइंसाफी हुई है, 4200 रनिंग चाहे वो गार्ड हो या ड्राइवर हो, 4200 दिया, जो रिकमेंड करके ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्ट्री में गया हुआ है उसके लिए लड़ाई कर सके, जो हमने ऑलरेडी जो बोर्ड की एक कमेटी बनी थी हार्ड अलाउंस के लिए, उसके लिए 1,27,000 कर्मचारियों का हार्ड अलाउंस रिकमेंड करके विद फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास 4 महीने से पड़ा हुआ है, उसको पिछली मीटिंग में भी हमने कहा 15 जुलाई के में ही, और उसके बाद 15 जुलाई को भी हमने कहा। इसके साथ पॉइंट्स मैन जो हमारे साथी हैं उनकी अपग्रेडेशन नहीं हुई थी उसको भी बोल के अपग्रेडेशन के लिए 4 ग्रेड के लिए एग्री कराया, वो भी बोर्ड ने रिकमेंड करके जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री में भेजा हुआ है। तो कोशिश कर रहे हैं हम कि जितनी पेंडिंग डिमांड है उस डिमांड को हम पूरा कराएं। जब हम 24 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर से मिले उनको हमने मेमोरेंडम भी दिया 8वें वेतन के लिए, जो इसमें अंदर विसंगतियां हैं वो भी जो इन्होंने अनाउंस की थी उनको दूर करने के लिए, उनके अंदर ऐड करने के लिए जो हमें चाहिए वो मेमोरेंडम भी मैंने अपने हाथ से दिया। अभी मीटिंग फिक्स हुई थी कि नवंबर के फर्स्ट वीक में डीओपीटी की जो सेक्रेटरी है इसके पेंशन के लिए उससे मीटिंग होगी, लेकिन कल उस मीटिंग को टाल दिया उन्होंने कि बाद में करेंगे। तो उसके लिए हम बराबर आपसे अग्रह करते हैं, आपको यकीन दिलाते हैं कि रेलवे कर्मचारियों की कोई डिमांड एन एफ आई आर छोड़ती नहीं है, हर डिमांड को हम लड़ेंगे छोटे से लेके बड़े एसएससी तक। जैसे 155/2022 एसएससीयों के लिए कैडर सर्चिंग का आई, उसमें 4,600, 4,500, 5,400 आया, 23 कैटेगरियों को छोड़ दिया, उसके लिए भी हम बराबर संघर्ष कर रहे हैं, दूसरे कैटेगरियों में भी संघर्ष कर रहे हैं जो पेंडिंग इशू है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेके आपका धन्यवाद करता हूँ, आप लोग भारी संख्या में जाए इकट्ठे हुए, और जो मुझे यकीन है आने वाले इलेक्शन में उत्तरिया रेलवे मजदूर यूनियन को फिरोजपुर में 80% से कम वोटें नहीं मिली। जय हिंद, जय भारत। You are a Muslim, Senator!
मैं जनरल सेक्रेटरी शर्मा जिंदाबाद। एक मिनट साथियों, बस।